जो समंदर को समझेगा, समंदर के अंदर रिप करंट होता है, उसको तो पाकिस्तानी लोग तो ज़्यादातर नहीं समझते हैं रिप करंट क्या चीज़ होती है। इन चीज़ों की अगर मालूम लोगों के पास हो ना, तो खुदा ना खासा इतने ज़्यादा हादसे क्या नहीं हुए। तो उनमें से भी निकलने के दो रास्ते सर होते हैं। जून से लेकर सितंबर के एंड तक, सितंबर की समझो 10 तारीख तक ये खड़े होंगे। लोग क्या करते हैं, उसमें ताकत लगाते हैं। अगर लोग उसमें से कोई भी साइड एक पकड़ लें तो उनके बचने के ज्यादातर चांस होते हैं। एक तरफ पानी ले जा रहा है डीप सी में, तो दोनों तरफ ऊपर आने के भी रास्ते होते हैं। मैं अक्सर लोगों को यही कहता हूँ, मैं कहता हूँ देखो आप लोग ऐसा कभी काम नहीं करें। अगर एक बंदा जा रहा है उसके चक्कर में आप 10 जाने और गवा सकते हो। पर ये लोगों की गलत फहमी है ऐसे निकलना, तो उसमें एक बंदा तो जा रहा है उसके चक्कर में और लोग भी जा सकते हैं। यह है कि एहतियात अफसोस से बेहतर है। अरे जहाँ पे आप देखते हो कि लाइफ गार्ड खड़े हैं, पहले लाइफ गार्ड से मशवरा करने के बाद आप पानी में जितने तो ज़्यादा बेहतर है। सर ये रेस्क्यू का काम करते हैं लाइफगार्ड बेसिकली हम लोग। देखिए जिम्मेदारी ये है, पहले तो ये लोगों को देखें डूबने से पहले अक्सर बचाना ये होता है, जो लोग आगे जा रहे हैं उनको समझाना भैया यहाँ नहीं जाओ, यहाँ खतरा है, यहाँ पानी तेज है, सबसे बेहतरीन चीज़ ये होती है समझाना। देखें लोग ज़्यादातर आगे चले जाते हैं, लाइफ गार्ड की तो बिल्कुल बात वो सुनते नहीं है। हर किसी को बोलो तो कहते हैं हमें स्विमिंग आती है। समंदर किसी टाइम के अंदर ऐसा हो जाएगा, यहाँ सर स्विमिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो समंदर को समझेगा, समंदर के अंदर रिप करंट होता है, उसको तो पाकिस्तानी लोग तो ज़्यादातर नहीं समझते हैं रिप करंट क्या चीज़ होती है। इन चीज़ों की अगर मालूम लोगों के पास हो ना, तो खुदा ना खासा इतने ज़्यादा हादसे क्या नहीं हुए। समंदर के अंदर रिप करंट होती है, एक जगह पे ढलान होती है, दो जगह पे लेवल होता है। लोग ढलान के अंदर उतर जाते हैं, एकदम ढलान के अंदर उतर जाते हैं तो ढलान के अंदर पानी उनको खींचने लगता है, ढलान का पानी डीप सी में खींचने लगता है। तो उनमें से भी निकलने के दो रास्ते सर होते हैं। पूरा ए सिस्टम बना होता है, एक आप ए के अंदर रहोगे तो आप डूबते रहोगे, आप एक बाहर निकलोगे तो आप बच सकते हो। देखो एक तरफ अगर पानी आपको डीप सी में ले जा रहा है तो दो तरफ दोनों साइडों पे पानी ऊपर लेके आने वाला है, दोनों तरफ ये आसान बचने के चांस होती है। तो वो अगर पानी ले जा रहा है ना, तो मैं वही कह रहा हूँ दोनों तरफ से रास्ते उसको, एक तरफ पानी ले जा रहा है डीप सी में तो दोनों तरफ ऊपर आने के भी रास्ते होते हैं। अगर एक ढलान से पानी खींच रहा है तो दोनों उस तरफ राइट पे जाओ या लेफ्ट पे जाओ, वो दोनों बचने वाली जगह है समझो। वहाँ पानी अगर आप ढलान से बाहर निकल के साइड पे कोई भी चले गए तो वहाँ पानी छोटा होगा, वो सिर्फ ढलान की वजह से खुदाई समंदर ने की है उस वजह से वो पानी गहरा होता है। अगर उसमें बंदा अपने आप को लूज ढलान के अंदर आ गया, अपने लूज छोड़ दिया ना जिस्म को, तभी भी सर उनके बचने के चांसेस होते हैं। अगर वो साइड पे भी निकल सकता है तो उसके बचने के चांसेस होते हैं। वो रिप करंट जब चल रहा है ना, उसके लोग क्या करते हैं उसमें ताकत लगाते हैं अपना जोर लगाते हैं, तो बंदा लाजमी बात है थक जाएगा, पानी तो नहीं ख़त्म होगा, उसमें लोग डूब के मर जाते हैं सर। जून स्टार्ट होगा, जून से लेकर सितंबर के एंड तक, सितंबर की समझो 10 तारीख तक ये खड्डे होंगे, उसके बाद फिर लेवल हो जाएगी ज़मीन, उसके बाद फिर खड्डे नहीं होंगे यहाँ पर। सर एक्शन यही होता है, हम अपने साथ रेस्क्यू ग्रुप वगैरह उठाते हैं, हम फौरन जाते हैं, मतलब हमारे पास एक फॉर्म है अभी तो अंदर रखी हुई है, फॉर्म उठाते हैं, वो फॉर्म है थर्माकोल, वो उठाते हैं हम, शर्ट अपनी उतार के फौरन हम निकलते हैं, उस तरफ निकलते हैं हम, जाते हैं पहले उस भागते रनिंग का दूर है तो रनिंग करते करते जाते हैं, उसके जब करीब पहुंच जाते हैं तो उसकी कंडीशन देख के उसको वो ट्यूब जो है ना पहना देते हैं, वो ट्यूब जो 120 किलो वजन बर्दाश्त कर लेती है, थर्माकोल है, उसको ये पीठ सीने पे बांध देते हैं, उसको क्लिप कर देते हैं, तो बंदे का सीना ऊपर रहेगा तो पानी के अंदर तो बंदा सांस ले सकता है। क्या मैं तो अक्सर लोग मुझे तो लोग मिलते हैं, तो मैं अक्सर लोगों को यही कहता हूँ, मैं कहता हूँ देखो आप लोग ऐसा कभी काम नहीं करें। अगर एक बंदा जा रहा है उसके चक्कर में आप 10 जाने और गवा सकते हो, ऐसा कभी भी नहीं करें। आपको नहीं आता है तो आप नहीं जाएं। कुछ लोग अब सही कह रहे हैं बिल्कुल, ऐसे कुछ लोग जो है ना हादसे का शिकार हुए हैं, क्यों अपने को लाजमी बात है बंदा रोक भी नहीं सकता,
लाजमी बात है, बंदा रोक भी नहीं सकता अपने को बचाने के लिए, लोग लाजम निकलते हैं। पर ये लोगों की गलत फहमी है ऐसे निकलना, उसमें एक बंदा तो जा रहा है, उसके चक्कर में और लोग भी जा सकते हैं। देखें उसको यही करना चाहिए, अगर वो आज पास में कोई लाइफ गार्ड या मकामी लोग नज़र आ जाएँ उनकी मदद, अगर लाइफ गार्ड मौजूद नहीं है तो मकामी लोग हैं या कोई हट के चौकीदार पे है उनसे जाके मालूम करें, हमें देखें किसी तरह, अगर लाइफ गार्ड होगा तो जा सकता है लाइफ गार्ड, नहीं तो हट वालों या ऊँट घोड़े वाले वो भी हमें बुला लेते हैं, ऐसे कोई मसला हो जाता है। सर ये हमारे पास इतने मशल लाइफ गार्ड बढ़ जाते हैं किसी टाइम के अंदर, अभी अगले महीने के अंदर लाइफ गार्ड हमारे पास इतने होंगे जो एक लाइफ गार्ड दूसरे लाइफ गार्ड को देख सकता है, मतलब करीब करीब जोन वाइज में खड़े होंगे, दो दो बंदे एक ग्रुप के साथ खड़े होंगे आगे पीछे, मतलब खड़े होंगे एक दूसरे को देख रहे होंगे और एक दूसरे के पास राउंड भी कर रहे होंगे, तो उसमें बंदे को जो है ना आगे पीछे कोई हादसा मसला मिसाल होता है तो वो कवर कर लेते हैं, उस चारों एक साथ मिल जाते हैं। फिर यह है कि एहतियात अफसोस से बेहतर है, अगर कोई बंदा फैमिलीज वगैरह जो घर से निकल रहा है उसको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और मेरे साथ बच्चे भी हैं और समंदर का हालत कैसा है, कंडीशन कैसी है, उनको तो पता नहीं होता। इससे बेहतर है जहाँ पे आप देखते हो कि लाइफ गार्ड खड़े हुए, पहले लाइफ गार्ड से मशवरा करने के बाद आप पानी में जितने तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उनको पता है कि समंदर की कंडीशन कैसी है, मुझे आगे जाना है या नहीं जाना है, या किनारे पे रहना है। अगर वो इस बात पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ड्रोनिंग की बिल्कुल ज़ीरो, क्योंकि हर चीज़ हमारे सिलेबस में मौजूद है। एक वायद पिकनिक है जो समंदर में, वो सिलेबस में नहीं डाला हुआ। अब बेहतर कि जो बच्चों के लेवल से पढ़ना पढ़ाना शुरू करते हैं समंदर के बारे में, जब वो बड़े हो जाएंगे तो समंदर के बारे में आपको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, उसको खुद पता चलेगा कि समंदर कैसा है। ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसको सिलेबस में डाल दिया जाए, तब जाके 10 साल 15 साल 20 साल के बाद हमें समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बच्चा खुद अपने वालदैन को बोला अब नहीं जाओ ये जगह खतरनाक है। मैं मतलब यही चीज़ें अगर हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर है।